इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले सरगम जैन की पत्नी को डिलीवरी के लिए यूरेको अस्पताल लेकर गए थे, जहां ऑपरेशन के बाद डिलीवरी हुई, लेकिन अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने महिला की ठीक से देखभाल नहीं की। महिला को रात भर दर्द होता रहा, इसकी सूचना भी अस्पताल प्रबंधन को दे दी गई थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। दर्द जब ज्यादा पड़ने लगा तो स्टाफ नर्स ने इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए गए। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की डॉक्टर कल्पना जैन के पास ही मृतिका पूजा का पिछले 9 महीने से इलाज चल रहा था और कल भी मृतिका पूजा को एडमिट किया था और ऑपरेशन भी किया, जहां एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में कल्पना जैन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कभी कभी इस प्रकार की घटना हो जाती है। फिलहाल महिला के परिजनों ने पलासिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि हम कार्यवाही इसलिए चाहते हैं कि इस तरह की घटना किसी परिवार के साथ दोबारा न हो। कहना चाहती हूँ, जो ये हमारे घर की बच्ची है, ये इसकी मम्मी पापा की लौती बच्ची थी और इनके घर की लौती बहू और पहला बेबी था इनका। शाम को डिलीवरी पेन हुआ। नॉर्मल लड़की 26 साल की इंजीनियर लड़की, पढ़ी लिखी और अच्छी ट्यूशन से पढ़ाती है, 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और उसके बाद उसको नॉर्मल डिलीवरी होती है, वार्ड में शिफ्ट भी कर देते हैं। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जब उसको बेचैनी होती तो ये बोल दिया जाता है कि सहन करो। मेरा भी 4 साल पहले सीजर हुआ। ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती कि लड़की कह रही है कि मैं मर जाऊंगी और उसको ये बोला सहन करो। होता है। सुबह 5 बजे तक उसको सहन करवाया और 5 बजे बाद अचानक नर्स आती है, एक इंजेक्शन लगा देती है। मेरी वाइफ की डिलीवरी होना थी तो डिलीवरी तो अच्छे से हो गई, लेकिन उसके बाद उसको बड़ी तकलीफ हुई और हॉस्पिटल वालों ने उसमें बिल्कुल भी ज़रा सी भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। नर्सों बात को टालती रही कि हाँ दर्द हो रहा है, सहन करना पड़ेगा, होता रहता है और बात को टालते टालते सुबह तक ले गई और सुबह तक जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, फिर उसे वेंटिलेटर पर ले जाया गया। उसके बाद फिर मेन डॉक्टर आए और इस भारी लापरवाही के कारण मेरी बीवी ने अपनी जान गंवा दी। अस्पताल का मामला है और यूरेका हॉस्पिटल। मेरी वाइफ पूजा जैन। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं विजयनगर। पहली डिलीवरी थी? हाँ, पहली डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी। एक मिनट, क्या कहा उन्होंने डॉक्टर ने, आपने जब उन्हें एडमिट किया? डॉक्टरों का बस यही कहना है कि हाँ हो जाता है कभी कभी, कुछ नहीं कर सकते, किसी के साथ हो जाता है। कल्पना जैन मैडम, पहले भी उनसे इलाज चल रहा था? नहीं, पहले ही बेबी है और 9 महीने से उन्हीं से इलाज चल रहा था। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उनकी, क्या उनकी लापरवाही के कारण? उनकी अगर वो सही समय पर रात को आ जाती, जब मेरी वाइफ तड़प रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अगर वो सही समय पर आ जाती तो आज मेरी वाइफ जिंदा होती। आपने फोन वगैरह लगाया था रात को? हमने नर्सों से खूब कांटेक्ट किया, पर हमने नर्सों को ये बोला भी कि डॉक्टर को बुलाइए, पर वो नर्स खुद ही बात को टालते रहे। यानी क्या उनकी लापरवाही के कारण? उनकी लापरवाही के कारण।